गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल वेलकम टू अनादर ट्यूटोरियल ऑफ क्लास एलेवेंथ इन विच वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट विच वॉज गिवन ऑन एलेवेंथ डिसम्बर लॉन्ग अवेटेड असाइनमेंट बिकॉज ऑफ सम समिटेशन पेपर टाइम थोड़ा सा कम था तो इसका ट्यूटोरियल नहीं डाल पाया एक बार डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स हैं तो सबसे पहले ये बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन क्रिएट किया गया था फिल इन द ब्लैंक्स बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा भी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है तो क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करने हैं और इसके बाद इनके आंसर निकालने हैं फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही एक्सेलेंट क्वेश्चन हैं सारे इसके अंदर बहुत, बहुत सारे कह सकते हैं थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है सारे के सारे तो डिटेल में इनको समझना पड़ेगा तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि ए जो है वो कॉस्क थीटा प्लस साइन की पावर थीटा है तो ए की रेंज क्या होगी बेसिकली वो कह रहे हैं कि ए जो है ना वो स्मॉल और बी के बीच में लाई कर रहा है तो ये वैल्यू बताओ और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस वाले फंक्शन की रेंज बताओ मतलब क्योंकि यहाँ पर हम ए की बात कर रहे हैं कैपिटल है दैट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट तो ए और बी क्या होगा तो स्टार्ट करते हैं एक बार क्वेश्चन से क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि ए जो है कॉस्कर थीटा प्लस साइन फोर थीटा है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से ए जो है वो कॉस्क थीटा प्लस साइन फोर थीटा तो मैं चाहता हूँ ये सब ना एक ही टर्म में बन जाए तो मैंने क्या किया कॉस्क्योर को लिख दिया वन माइनस साइंस कर थीटा लिख सकते हैं क्योंकि साइंस क्योर थीटा प्लस कॉस्कर थीटा वन होता है तो कॉस्कर थीटा को हमने लिख दिया ये अब मैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगा तो ये तो ऑलरेडी साइंस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है नेक्स्ट वाला जो है वो साइंस स्क्वायर थीटा है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइंस को थीटा है तो इसको हम एक्स मान रहे हैं तो जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है उसके हाफ का स्क्वायर हम एड और सबरेट करते हैं तो क्योंकि साइंस स्क्ट थीटा का कोफिशिएंट वन है तो वन का हाफ हाफ हो गया तो हाफ का स्क्वायर ऐड और कर दिया और वन एज इट इज अगर मैं तीनों टर्म को क्लब कर दूँ तो, पहली तीन को तो ये बन रहा है प्लस भी। इसको सकते हैं, थीटा का होल और यहां बच गया वन माइनस वन बाई फोर यानी थ्री बाय फोर अब मैं कह सकता हूं कि साइन स्क्र थी माइनस हाफ का जो स्क्वायर है किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा होता है अब मैं थ्री बाय फोर ऐड करना चाहता हूं तो मैंने इसमें थ्री बाय फोर दोनों साइड ऐड कर दिया ठीक है थ्री बाय फोर दोनों साइड ऐड कर दिया तो मैं क्या देख रहा हूँ लेफ्ट साइड पे तो ए बन रहा है यानी ए जो है वो थ्री बाई फोर से बड़ा होगा हमेशा यानी ए की वैल्यू थ्री बाई फोर से ग्रेटर होगी ये तो गया हमारे पास एक टम अब हमें दिखाना है कि ये किससे छोटा होगा ठीक है तो बात करते हैं आपको पता है कि साइंस स्क्वे थीटा जो होता है वो हमेशा वन से लेस होता है क्यों <coughs> क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लाइक करती है माइनस वन से वन के बीच में तो जब हम स्क्वायर कर देंगे तो नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाएगी तो यानी जीरो से वन के बीच में साइंस का थीटा आएगा अब मैं क्या करता हूँ ध्यान से देखना ये स्टेप साइंस व थीटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ ठीक है दोनों साइड साइंस वीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड से बन जाएगा साइन फोर थीटा और इधर बन जाएगा साइंस वर् थीटा अब हम क्या करेंगे दोनों साइड कॉस स्क्वायर ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें ए बनाना है तो मैं लेफ्ट साइड पे साइन फोर क्रिएट कर चुका हूँ तो कॉस का थीटा दोनों साइड ऐड कर देता हूं लेफ्ट साइड पे भी किया तो राइट साइड पे भी करेंगे अब आपको राइट साइड पे दिख रहा है कुछ साइंस को थीटा प्लस कॉस कर थीटा क्या होता है तो राइट साइड पे जो साइंस थीटा प्लस कॉस का थीटा है वो वन हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे ये ए है तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो लेस देन वन है अब हम कह रहे हैं कि ए लेस देन वन है और ए ग्रेटर देन वन है इसका मतलब हो गया कि जो ए है दैट लाइज बिटवीन दिस ब्रैकेट ग्रेड थ्री बाई फोर से बड़ा होगा और वन से छोटा होगा ठीक बात है क्योंकि ए थ्री बाई फोर से बड़ा कह रहे हो रहा है और वन से छोटा है तो इसका मतलब ए जो लाई करेगा वो थ्री बाई फोर से वन होगा और ये हमें दे रखा है ए और b तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास ए हो गया थ्री बाई फोर और बी हो गया वन और हमसे पूछा गया था फोर ए प्लस बी की वैल्यू निकालो तो अगर ए थ्री बाई फोर है तो फोर ए मेरे पास थ्री हो जाएगा और बी तो वन है तो इसकी वैल्यू फोर आ जाएगी मैंने पूछा गया था फोर ए प्लस बी निकालो तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू फोर आ जाएगी ठीक है अब चलते हैं बी पार्ट पे बी पार्ट है कि मैक्सिमल ये साइन एक्स कॉस एक्स निकालनी है तो देखो बी पार्ट में यही सॉल्व करा है तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको मान लेता हूँ फंक्शन और इसको मैंने टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ठीक है साइन एक्स कॉस एक्स को टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया अब जब तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ तो ये बन रहा है साइन टू एक्स और मुझे पता है कि साइन टू एक्स जो होता है यानी साइन थीटा जो होता है दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन वन टू माइनस वन तो अगर मैं यहाँ पे टू से सॉरी माइनस वन से वन होता है अब मैं टू से डिवाइड कर दूँगा सबको हर साइड को तो क्योंकि फंक्शन बनाना है तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जो वैल्यू है ये हमेशा लाई करेगी माइनस वन से वन वन माइनस वन बाई टू से वन बाई टू के बीच में तो हमसे पूछा गया था कि इसकी मैक्सिम वैल्यू बताओ तो हम कहेंगे कि मैक्सीम वैल्यू जो होगी Of fx, वो हो जाएगी हमारे पास हाफ क्योंकि ये माइनस हाफ से हाफ के बीच लाई कर रहा है तो हम कह देंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हाफ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं कि थ्री टेन थीटा माइनस फिफ्टीन डिग्री इक्वल टू टेन थीटा प्लस 15 डिग्री है ठीक है tan थीटा 15 डिग्री इक्वल tan थीटा 15 डिग्री है थीटा ऑब्वियसली 90 से लेस है तो थीटा की वैल्यू निकालनी है ठीक है अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं दो तरीके कौन से हो बेटा एक हो सकती है फर्स्ट अप्रोच कि हम क्या करें डायरेक्टली tan a minus b का फॉर्मूला फार्मूला tan a plus b का फॉर्मूला लगा देते हैं इसको लिख देते हैं tan थीटा माइनस टेन फिफ्टीन अपॉन वन माइनस प्लस हो जाएगा ये टेन थीटा टेन फिफ्टीन और राइट साइड पे भी सेम फॉर्मूला लगा दिए टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी ये अप्रोच जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर टेन थीटा वाली टाइम सेपरेट करेंगे तो थोड़ी टाइम बड़ी हो जाएगी मैं आपको दिखाता तो हूँ कैसे यहाँ आ जाएगा टेन थीटा माइनस टेन फिफ्टीन और वन माइनस टेन थीटा टेन फिफ्टीन और राइट साइड पे भी आ जाएगा ये टेन थीटा टेन फिफ्टीन और वन प्लस टें थीटर टेन फिफ्टी और फिर इसको सेग्रीगेट करेंगे तो थोड़ी बड़ी टर्म्स हो सकती है ना हालांकि आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन बट थोड़ा बड़ा हो सकता है बट अब मैं इसको बता दूँ सेकेंड मैथड सेकेंड मैथड ये बता रहा हूँ कि कभी आपने ना ऐसी अप्रोच पता पड़ी नहीं क्योंकि शायद क्या होता है कि अगर दो रेशियो आपस में बराबर है दो टर्म्स आपस में बराबर हैं ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी तो इसमें एक टर्म होती है कंपोनेटो और एक होती है डिविडेंडो और जो अगर हम दोनों भी लगाना चाहें दोनों लगा सकते हैं तो डिविडेंड तो कहता है कि अगर ये दोनों रेशियो बराबर हैं तो इनके डिफरेंस का रेशियो और इनके सम का रेशियो भी बराबर होगा और उसको हम रीरेज करेंगे तो हम कह सकते हैं ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी होगा दिस इज कॉल्ड डिविडेंडो कि इफ दिस रेशो आर इक्वल दिस इज ऑल्सो इक्वल ठीक है ना <coughs> तो ये एक टर्म होती है तो इसको कैसे करें ठीक है और अगर आपको इसको इसको कहते हैं सी एन डी कंपोनेंट एंड डिविडेंड तो ये टर्म भी हम लगा सकते हैं इसमें कैसे लगा सकते हैं एक बार देखिए ये वाला टर्म कैसे लगाऊंगा मैं यहाँ पे ध्यान से देखना मैंने क्या किया इस टेन को नीचे ले गया तो ये बन गया थ्री बाई वन इक्वल टू टेन थीटा प्लस फिफ्टीन डिग्री अपॉन टेन थीटा माइनस फिफ्टीन डिग्री अब मैं यहाँ लगाता हूँ सी एंड डी क्योंकि ये टर्म इसकी तरह आ रही है तो सी एन डी क्या कहेगा आपको थ्री माइनस वन क्योंकि ए माइनस बी और थ्री प्लस वन इक्वल टू टेन थीटा प्लस फिफ्टीन डिग्री माइनस टेन थीटा माइनस फिफ्टीन डिग्री नीचे सेम टर्म विद प्लस साइन इसे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी मैं इसको अगले बीच में सॉल्व करता हूँ तो ये बन गया टू बाई फोर ये बन गया आपके पास टू बाई फोर यानी वन बाई टू और राइट साइड में ना मैंने सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो ये था टेन थीटा प्लस फिफ्टीन डिग्री थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये और यहाँ पे भी आ जाएगा साइन थीटा माइनस फिफ्टीन डिग्री अपॉन साइन थीटा प्लस सॉरी कॉस थीटा प्लस माइनस फिफ्टीन डिग्री और नीचे भी सेम आ जाएगा बट नीचे यहाँ पे विद ए पॉजिटिव साइन होगा मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था बट क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना है तो मैं सारी टर्म्स लिख रहा हूँ ठीक है प्लस साइन थीटा माइनस 15 डिग्री अपॉन कॉस थीटा माइनस 15 डिग्री अब आप जब एल्सीम लोगे ना तो आप ध्यान से देखना ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा साइन थीटा कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी और इस साइड आ रहा है वन बाई टू तो ऊपर फॉर्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी का जिसमें ए हमारा थीटा प्लस फिफ्टीन डिग्री है माइनस बी थीटा माइनस फिफ्टीन डिग्री है और नीचे भी सेम फॉर्मूला बन रहा है विद पॉजिटिव साइन और ये जो कॉस और कॉस थीटा प्लस 15 ना कॉस थीटा मैंने 15 नहीं ऊपर नीचे से कट जाएगा अब आप देखो थीटा से थीटा कट गया 15 से 15 कट गया तो हमारे पास क्या आ गया 1 by 2 इक्वल टू ऊपर आ जाएगा साइन 30 डिग्री और नीचे आ जाएगा मेरे पास 2 थीटा और साइन थर्टी डिग्री होती है हाफ तो ये बन गया वन बाई टू साइन टू थीटा तो हमने टू से टू काट दिया तो हमने क्या देखा कि साइन टू थीटा हमारे पास वन आ रहा है अब साइन की वैल्यू वन कब होती है तो कहेंगे गई पाई बाई टू भी होती है तो हमने एंगल को कंपेयर किया तो टू थीटा नाइन्टी आ गया तो थीटा हमारे पास फाइव बाई फोर आ गया और भी वैल्यू हो सकती थी साइन की बट वो बड़ी हो जाती नाइन्टी से क्योंकि हमें नाइन्टी के बीच में वैल्यू चाहिए थी तो हम कह देंगे थीटा की वैल्यू पाई बाई फोर आ जाएगी अब इससे अगर आप करते हैं ना थोड़ा बॉडी टर्म्स हो जाती तो इसलिए ये मैंने पहले बताया आपको कि ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो बट ये जब तक तो मैं लिखता नहीं और बोल देता तो आपको लगता कि मैं क्या बोल रहा हूँ और कैसे क्यों अब आप देखो ध्यान से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना बटर तो यहाँ पर आएगी एक थ्री टेन थीटा फिर टेन स्क्वायर थीटा वाली टर्म्स आएंगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी समय मेरी बात कि मैं आपको अप्रोच बताता आप करोगे तो बड़ा चला जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगी जिसमें टें थीटा और टेन फिफ्टीन आ रहा होगा उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे टेंथ थीटा को थीट तो अल्टीमेटली टेंथ थीटा के थीट थी लिए वहाँ से वन आ जाएगी तो वो भी क्वेश्चन हो जाएगा बट लेंथी हो जाएगा तो ये थोड़ा ऐसे अवॉइड करना चाहिए ये नई अप्रोच है इसलिए मैंने आपको प्रॉपर शुरू से बताई ठीक है तो ठीक है थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ फोर्थ और भी दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है तो एक बार इनको मैं एक साथ ही कराता हूं ठीक है अब यहां पे ना 10 2 है और 10 2 पी की वैल्यू निकालनी है और हम ये दे रखे हैं तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखें एक बार तो यहां पे ना आपको दे रखा है फोर्थ पार्ट के अंदर टेन ए प्लस बी हमारा p है बहुत लॉजिकल से क्वेश्चन है बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट सिर्फ हमें कंसेप्ट को समझना है ठीक है ये हमारे को क्यू दे रखे और हमसे पूछा टेन टू ए निकालो मेरे पास ए प्लस बी की वैल्यू है और टू ए निकालना है तो मैं क्या सोचूं कैसे करूं इसको कि ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाए एंगल में तो मैंने क्या किया टू ए का लिखा ए प्लस ए अब एंगल में बी ऐड कर दिया और बी ऐड किया है तो बैलेंस बनाने के लिए बी सब कर दिया ठीक है यानी टेन टू तो बी का ले सकते हैं अब मैं इसको एक्स और इसको वाई मान के टेन एक्स प्लस, प्लस वाई का फॉर्मला लगा देता हूँ तो टेन एक्स प्लस वाई का क्या फॉर्मला हो जाएगा टेन एक्स प्लस टेन वाई होल डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन एक्स टेन वाई अब टेन ए प्लस बी की वैल्यू मेरे पास पी दे रखी है टेन ए माइनस बी की वैल्यू क्यू दे रखी है और ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया ठीक है अब ऐसे ही बिल्कुल निकालना है टेन टू बी अब टू बी को कैसे लिख सकते हैं टू बी को लिख सकते हैं बी प्लस बी अब इसमें मैं ए ऐड कर रहा हूँ अब ऐड किया है तो सब भी करेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है टेन ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी यानी बिल्कुल सेम टर्म ऊपर वाली बन रही है सिर्फ यहाँ पे बीच में माइनस आ गया यानी इसको जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा टेन ए प्लस बी माइनस टेन ए माइनस बी अपॉन वन प्लस टेन एंटू टेन बी अब टेन ए प्लस बी हमारा पी है ये क्यू है अब और ये आपके पास वन प्लस बी क्यू है तो ये हमारी फिफ्थ क्वेश्चन होंगे यानी फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल हमने एक साथ कर डाले ठीक है ना उसके बाद चलते हैं टेन फिफ्टीन और टेन कॉट फोर सेवेंटी फाइव के बीच में तो आपको ना इसकी पहले या तो वैल्यू पता होनी चाहिए या इसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो जैसे भी कर सकते हैं या तो आपको सेवेंटी फाइव की वैल्यू पता हो या आप इसको ना साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो तो अगर आप इसको साइन कास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन सेवनटी फाइव डिग्री अपॉन कॉस्ट सेवेंटी फाइव डिग्री माइनस कॉस सेवेंटी फाइव डिग्री अपॉन साइन सेवेंटी फाइव डिग्री ठीक है अब इसका एलसीएम ले लो जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर सेवेंटी फाइव डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर सेवेंटी फाइव डिग्री और नीचे आ जाएगा साइन सेवेंटी फाइव डिग्री और कॉस सेवेंटी फाइटी डिग्री अब आपको लग रहा होगा कि अभी अभी भी तो सेवेंटी फाइव के लिए चाहिए नहीं अब कुछ फॉमुलेस बन रहा है देखो पहले बार मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो अभी एक फॉमूला बन जाएगा देखना और नीचे टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अब मल्टीप्लाई किया नीचे तो ऊपर भी करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे एक फॉमूला बन रहा है एक फॉर्मूला होता था कॉस टू थीटा का कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा देखो लग रहा है ऊपर न्यूमरेटर में और एक फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का क्योंकि अगर फॉर्मूले याद होंगे तभी हम इन क्वेश्चन को कर पाएंगे तो ये हमारे पास साइन टू थीटा का फॉर्मूला हो गया तो मैं ये फॉर्मूले लगा देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट तो माइनस टू ऊपर हो गया कॉस सेवेंटी फाइव का डबल वन फिफ्टी डिग्री और नीचे आ गया साइन वन फिफ्टी डिग्री अब दोनों की वैल्यूज तो हम निकाल सकते हैं ना कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे कॉस वन एट्टी वन थर्टी करके और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे हम साइन वन फिफ्टी की साइन वन एट्टी माइनस थर्टी करके तो ऊपर आ जाएगा आपके पास टू कॉस थर्टी विद नेगेटिव साइन क्योंकि सेकंड कॉर्ड में कॉस नेगेटिव होता है और नीचे आ जाएगा साइन थर्टी तो कॉस थर्टी की वैल्यू रूट थ्री बाय टू साइन थर्टी की वैल्यू हाफ तो आपका आंसर आ गया टू थ्री ये दी हुई एक अप्रोच अब दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है जो मैंने बताई कि सीधे टेन सेवेंटी फाइव की वैल्यू पुट कर देते हैं अगर आपको टेन सेवेंटी फाइव की वैल्यू पता है तो आप पुट कर सकते हैं एक्चुअली टेन सेवेंटी फाइव जो होता है ना बेटा वो आपने निकाला होगा टेन फोर्टी फाइव प्लस थर्टी करके ये टू प्लस रूट थ्री आता है न तो हमें निकालना है टेन सेवेंटी फाइव माइनस कॉड सेवेंटी फाइव की वैल्यू तो ये आ गया टू प्लस रूट थ्री अब कॉट को ले सकते हैं वन बाय टेन तो ये आ गया वन बाय टू प्लस रूट थ्री इस सेकेंड वाली टर्म को रेशलाइज कर देते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास टू प्लस रूट थ्री टू माइनस रूट थ्री और नीचे लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आ जाएगा टू प्लस रूट थ्री माइनस टू प्लस रूट थ्री टू से टू कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा टू रूट थ्री पीछे भी यही आ रहा था तो देखिए दोनों अप्रोच सेम ही दोनों ही कंसेप्ट क्लियर है दोनों से सेम आंसर आ रहे हैं तो दोनों अप्रोच लगा सकते हैं ओके तो एफ पार्ट भी क्लियर हो गया अब चलते हैं जी एच और आई पार्ट पे तीनों सेम क्वेश्चन है क्योंकि तो इसमें तीनों ये टर्म एक्सट सेम आ रही है ठीक है तो कैसे करेंगे इनको देखते एक बार पहले कंसेप्ट समझाता रहा आपको आपने याद हाँ रखना है कि जब भी हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन हो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स तो ये जो एक्सप्रेशन होता है ये हमेशा लाइक करता है ये हमेशा लाइक करता है मैंने क्लास में भी समझाया था बच्चों को कि ये लाइक करता है ए स्क्वा प्लस बी स्क्वा से लेके कर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में इसका मतलब इस वाले एक्सप्रेशन की मैक्सिम वैल्यू हमेशा ये होती है और इस वाले एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू ये होती है ठीक है तो जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि ये बोल रहा है एक फंक्शन है मेरे पास थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स तो हम कहेंगे कि ये जो थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स है ये हमेशा लाई करेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर ए है यहाँ पे साइन का थ्री और बी स्क्वायर मतलब फोर कॉस एक्स का सिक्सटीन यानी ये लाई करेगा ट्वेंटी फाइव के रूट यानी फाइव से इसी के नेगेटिव साइन से बड़ा होगा यानी माइनस फाइव से बड़ा होगा तो हमने जब देख लिया कि ये माइनस फाइव से बड़ा होगा इसका मतलब इसकी इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू माइनस फाइव होगी अब यहाँ पे मैंने जो लिया वो साइन एक्स है यहाँ पे था और यहाँ कॉस्ट एक्स था कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्टीमेटली ए स्क्वायर प्लस बी स्क् रहा है तो ए और बी किसी का भी कोफिशिएंट हो साइन का कि कॉस्ट का बट इतना ध्यान रखना एंगल सेम होने चाहिए तो आंसर वही रहेगा ठीक है, है तो मैं जैसे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो क्या आ जाएगी रूट में थ्री स्क्वायर प्लस बी स्क्र फोर स्क्वायर यानी मिनिम वाले पूछिए इसलिए माइनस फाइव आ जाएगी मैक्सिमम पूछते तो फाइव आ जाती अब उसने क्या किया इसी एक्सप्रेशन में एट कह दिया साथ में प्लस हो रहा तो हम कहेंगे कि अगर ये एक्सप्रेशन हो चाहे ये एक्सप्रेशन हो दोनों जो हैं फाइव माइनस फाइव से फाइव होंगे अब एट ऐड कर दिया तो अगर मैं इसमें एट ऐड करूंगा तो सारी साइड भी करना पड़ेगा इधर भी इधर भी तो इधर ऐड करेंगे तो एट माइनस फाइव थ्री हो जाएगा इधर ये प्लस एट हो जाएगा और इधर थर्टीन हो जाएगा यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू थ्री से थर्टीन आ रही है बट हमें तो मिनिमम चाहिए तो मिनिमम वैल्यू थ्री हो जाएगी और मैक्सिम पूछता तो थर्टीन हो जाती अब ये कह रहा है इसी एक्सप्रेशन में माइनस एड करो तो इसी एक्सप्रेशन में आप माइनस एड करते थे दोनों साइड तीनों साइड तो इधर करते तो ये आ जाता माइनस थर्टीन इधर बन जाता फंक्शन और इधर भी माइनस करते तो माइनस थ्री तो इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस थर्टीन होगी और मैक्सिमम पूछिए आप तो मैक्सिमम माइनस थ्री हो जाएगी मतलब तो अल्टीमेटली क्वेश्चन सेम है सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज लाइज बिटवीन माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ठीक है अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे यहाँ पे कॉस ट्वेंटी फाइव प्लस साइन ट्वेंटी फाइव दिया हुआ है और कॉस फिफ्टी के लिए निकालनी है कॉस ट्वेंटी फाइव प्लस साइन ट्वेंटी फाइव की वैल्यू दे रखी है पी और फिर पी की टर्म्स में हमें कॉस फिफ्टी निकालना है साइन फिफ्टी होता तो बहुत आसानी से पिक कर लेते क्वेश्चन को कॉस निकालना है तो पहले हमने साइन फिफ्टी निकालेंगे और फिर उसे कॉस तो मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन का ना स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड अब स्क्वायरिंग कर दो इस इक्वेशन की स्क्वायरिंग होता साइड कर देते हैं अब इसे क्या मिलेगा ध्यान से देखना जब आप लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्र ट्वेंटी फाइव डिग्री प्लस साइंस स्क्वे ट्वेंटी फाइव डिग्री प्लस टू साइन ट्वेंटी फाइव डिग्री कॉस ट्वेंटी फाइव डिग्री इक्वल टू पी स्क्वेयर और ये टर्म हमारे को पता है वन होती है कॉस थीटा प्लस साइंस थीटा और ये फॉर्मूला बन रहा है टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा का यानी साइन फिफ्टी डिग्री यहाँ से साइन फिफ्टी के लिए निकल गया हमारे पास साइन फिफ्टी के आ गए साइन फिफ्टी डिग्री आ गया हमारे पास पी स्क्वायर माइनस वन अब इसका यूज करके मैं कॉस की वैल्यू निकाल सकता हूँ कैसे हमें पता है कॉस्क्वर थीटा प्लस साइंसक् थीटा वन होता है तो कॉस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट वन माइनस साइंसक्वा थीटा अब यहाँ पे हम साइन फिफ्टी की वैल्यू बुट कर देते हैं क्या हो जाएगी अंडर रूट वन माइनस या तो ऐसे ही छोड़ दो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा पी फोर प्लस वन माइनस टू पी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वन से वन कट जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा टू पी स्क्वायर माइनस पी फोर यहाँ भी छोड़ सकते हैं नहीं तो आप पी कॉमन भी ले सकते हो तो पी कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पी अंडर रूट टू माइनस पी स्क्वायर और थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं पी पे मॉल लगा दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा वैसे तो पी की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी बट फिर भी हम कहते हैं कि पी है तो बाहर पॉजिटिव मॉल लगा दिया क्योंकि अंडर रूट शिप के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है क्योंकि पी यहाँ गिवन नहीं है इसीलिए फिर मैंने मॉडल लगा दिया क्लियर करने के लिए की पी पॉजिटिव ही आना चाहिए क्योंकि तो फर्स्ट क्वारन में वैल्यू रहे हैं ठीक है ना तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा थोड़ा डिटेल में किया हमने ठीक है इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें कई क्वेश्चन तो आप फटाफट कर भी लेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की जो बात करते हैं इसमें अगर मैं ये अभी मैंने आपको सॉल्यूशन में भी अपलोड करा था ट्यूटोरियल के कि इसमें अगर मैं इसको साइन कॉज में कन्वर्ट कर लूँ तो मेरे पास साइन ट्वेंटी डिग्री माइनस कॉस ट्वेंटी डिग्री हो जाएगा ये एलसीएम ले लेते हैं तो रूट थ्री कॉस ट्वेंटी डिग्री माइनस साइन ट्वेंटी डिग्री हो जाएगी अब इसको हम टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जैसे इसको टू से डिवाइड करेंगे और टू से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नीचे भी कर देते हैं टू से मल्टीप्लाई फॉर्मलेस बनाने के लिए कर रहा हूँ मैं ये और टू से डिवाइड किया तो टू से एक और मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है तो ये आ जाएगा मेरे पास फ़ोर ऊपर और ना इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस साइंस सिक्सटी डिग्री क्योंकि साइंस सिक्सटी की वैल्यू होती है तो आप देखोगे फॉर्मला बन जाएगा हाफ वो लिख सकते हो कॉस सिक्सटी डिग्री नीचे टू साइन ए कॉस ए साइन टू थ्री का फॉर्मुला होता है तो साइन फोर्टी डिग्री बन जाएगा ये तो ऊपर फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉ से साइन बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो साइन सिक्सटी माइनस ट्वेंटी और नीचे भी आ जाएगा साइन फोर्टी साइन फोर्टी से साइन फोर्टी कट गया तो इसकी वैल्यू फोर आ रही है इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है ठीक है ना ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है ठीक है इसके बाद मैक्सिमम जो क्वेश्चन इस पर हैं वो इस प्रॉपर्टी पेस्ड है आ, कि ना एक याद रखिएगा आप कि ना एक रिज़ल्ट मैंने आपको क्लास में करवाए थे ये और मैंने टेस्ट में भी दिया था तो ये रिज़ल्ट आपने याद रखने हैं कि साइन एक्स इंटू साइन फाइव बाई थ्री माइनस सिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है कम्पटिटिव लेवल के हिसाब से भी और शॉर्ट रिज़ल्ट के हिसाब से भी कि जो इसका रिजल्ट आता है दिस इज इक्वल आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं मैंने क्लास में कराया हुआ है बिल्कुल सेम रिजल्ट कॉस के लिए ये रिजल्ट बहुत यूजफुल आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं साइन ए माइनस बी और साइन ए साइन ए प्लस बी का फॉर्म लगा देंगे फर्स्ट में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिख जाएगा ये होता है वन बाई फोर कॉस थ्री एक्स और इन दोनों रिजल्ट को मैं मल्टिवाइड कर दूंगा तो टेन एक्स टेन पाइव थ्री माइनस एक्स और टेन फाइव है थ्री प्लस एक्स इक्वल टू होता है टेन थ्री एक्स तो ये तीन इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं जो प्रूव करने के लिए भी आ सकते हैं और जो यूज़ करने के लिए भी आ सकते हैं तो इनको बहुत ही जगह यूज़ किया जाता है देखो कैसे जैसे यहाँ पे पूछा है इसकी वैल्यू हमारी क्या वन आ रही है किसकी वैल्यू पूछिए ध्यान से देखना बी पार्ट सिक्सटीन टाइम्स साइन ट्वेंटी डिग्री साइन फोर्टी डिग्री साइन सिक्सटी डिग्री और साइन एटी डिग्री तो साइन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू में फोर टाइम तो ही इसको अलग देख लेता तो हूँ क्योंकि मल्टीपाई में मल्टी है। अब अगर आप ध्यान से देखो ध्यान से देखना बेटा फोर्टी को मैं लिख सकता हूँ सिक्सटी माइनस ट्वेंटी एट्टी को मैं लिख सकता हूँ सिक्सटी प्लस ट्वेंटी और साइन सिक्सटी एज इट इज तो क्या यहाँ पे ये फॉर्मूला लग रहा है देखो एक्स यहाँ पे 20 है तो साइन 20 साइन 60 माइनस ट्वेंटी साइन सिक्सटी प्लस ट्वेंटी यानी इस वाले पार्ट का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वन बाई फोर साइन ट्रिपल ऑफ एक्स तो एक्स क्योंकि यहाँ पे 20 डिग्री था तो ये साइन 60 डिग्री आ जाएगा तो ये फोर से फोर कट गया तो आपके पास आ गया फोर साइन स्क्वायर सिक्सटी और साइन सिक्सटी के लिए रूट थ्री बाई टू होती है तो रूट थ्री बाई टू को जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री बाय फोर और फोर से फोर कट जाएगा तो थ्री यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू थ्री आ रही है और वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू वन आ रही है तो यानी इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है ठीक है सेम यहाँ लग सकता है सेम क्वेश्चन यहाँ लग सकता है और सेम क्वेश्चन यहाँ लग सकता है ठीक है कैसे लग सकता है देखिए जो एच पार्ट है तो वहाँ सेम क्वेश्चन कॉस में है ठीक है ना सेम क्वेश्चन कॉस में है तो एच पार्ट देखते एक बार तो बिल्कुल सेम साइन ये सिक्सटीन को मैं एज इज रख रहा हूँ कॉस ट्वेंटी डिग्री फोर्टी को मैं लिख रहा हूँ सिक्सटी माइनस ट्वेंटी क्योंकि ट्रू फॉल्स है ना हम डायरेक्ट फॉमूला यूज़ कर सकते हैं फॉमूला बता देंगे और चेक कर लेंगे और एट्टी डिग्री है तो लिख देंगे सिक्सटी प्लस ट्वेंटी और जो सिक्सटी डिग्री था उसको मैंने फॉर द टाइमिंग अलग कर लिया कॉस सिक्सटी आप चाहते वैल्यू बोट कर देने आप क्या यहाँ पे फॉमूला लग रहा है कॉस एक्स स सिक्सटी माइनस एक्स कॉस सिक्सटी प्लस एक्स तो क्या फॉर्मूला होता है इसका वन बाय फोर कॉस थ्री एक्स तो कॉस थ्री एक्स मतलब कॉस सिक्सटी क्योंकि एक्स का ट्रिपल ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं इस बार सेकेंड वाला ठीक है इट इज आ जाएगा ये फोर से फोर कट गया तो आपके पास आ गया फोर और कॉसटी कॉस सिक्सटी की वैल्यू वन बाय टू होती है तो वन बाय फोर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू वन तो यानी एच स्टेटमेंट हमारी ट्रू है यही रिजल्ट आ रहा है ठीक है ना सेम क्वेश्चन आप अगले वाले में भी कर सकते हैं क्या देखिए जरा कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं देखते कैसे आई पार्ट जो है आई पार्ट यह सिक्सटीन सा, टाइम्स साइन टेन साइन थर्टी को मैं अलग रख रहा हूँ फॉर द टाइमिंग साइन फिफ्टी है जिसको हम ले सकते हैं सिक्सटी माइनस टेन आप फिर लिख सकते हैं साइन सिक्सटी प्लस टेन तो क्या फॉर्मूला बन रहा है साइन एक्स साइन सिक्सटी माइनस एक्स साइन सिक्सटी प्लस एक्स तो इस रिजल्ट का जो आंसर आता है वो होता है वन बाई फोर साइन थ्री एक्स तो साइन थर्टी डिग्री साइन थर्टी की जो वैल्यू है वो होती है हाफ तो हाफ का स्क्वायर हो गया वन बाई फोर तो इसका रिजल्ट मेरे पास वन आ रहा है तो आई पार्ट में क्या वन कह रहे आ रहा है तो येस yes, तो ये स्टेटमेंट True है ऐसी करते हैं बिल्कुल है बस जो कॉस थर्टी था रूट थ्री बाय टू उसको अलग कर दिया तो इस पार्ट को क्या आंसर आएगा इस पार्ट का आंसर आता है उस फॉर्मूले से वन बाय फोर कॉस थ्री थी तो कॉस थर्टी डिग्री कॉज थर्टी की वैल्यू पुट करेंगे रूट थ्री बाय टू और ये काट देते हैं इसको टू पे तो हमारे पास आ जाएगा टू इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री बाई टू तो कट के आ जाएगा थ्री तो क्या अगले पार्ट का आंसर हम थ्री कह रहे हैं तो यस ये स्टेटमेंट भी ट्रू है यानी ये क्वेश्चन तो सारे के सारे इसी तरह से हो रहे हैं ठीक है ना उसके बाद चलते हैं हमने कौन कौन से पार्ट कर लिए ए पार्ट हो गया बी पार्ट हो गया एच पार्ट हो गया आई पार्ट हो गया और जे पार्ट हो गया सी पार्ट भी आप ट्राई कर सकते हैं आराम से सी पार्ट में कैसे बैठा आप साइन और कॉस का ना ग्राफ देखो एक बार एक ही ग्राफ में बनाते हैं एक साइन एक्स का ग्राफ जीरो से नाइन्टी तक जीरो से वन जाता है और कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो मैं रेड से बना लेता हूँ कॉस एक्स का ग्राफ वन से ज़ीरो जाता है जीरो से नाइन्टी में तो 90 और ये इंटरसेट कहाँ करते हैं इंटरसेट करते हैं 45 फाइव पे इंटरसेट मतलब कब इनकी वैल्यू बराबर होती है तो क्योंकि 45 फाइव है क्योंकि कॉस 45 भी वन बाई रूट टू होता है साइन 45 भी वन बाई रू टू होता है तो इसका मतलब 45 फाइव पर ही इंटरसेट करते हैं यानी यहाँ पे 45 डिग्री पे ये इंटरसेट करते हैं तो आपको लिये नाइन्टीन डिग्री जो होगा वो से लेस होगा सब फिर यहाँ होगा तो इस वाले में कौन सा ग्राफ ऊपर है तो आप कहेंगे कॉस एक्स ऊपर है तो हम कह रहे हैं कि कॉस नाइन्टीन डिग्री की जो वैल्यू होती है वो साइन नाइन्टी से बड़ी होगी क्योंकि कॉस अग्रह ऊपर आ रहा है है ना तो ग्राफिकली देख सकते हैं तो ये कह रहा है साइन नाइनटीन इज ग्रेटर देन कॉस नाइन्टीन तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई ना क्योंकि कॉस नाइनटीन बड़ा होता है और नहीं तो आपको इसको एस, ऐसे याद भी रखना है कि, कि अगर फर्स्ट क्वेंट की बात करें तो जीरो से फोर्टी फाइव तक कॉस एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स होता है और फोर्टी फाइव के बाद देखो ब्लू वाला ग्राफ ऊपर चला गया तो फोर्टी फाइव से नाइन्टी के बीच में साइन एक्स कॉस एक्स से बड़ा होता है तो ये बहुत यूजफुल रिजल्ट है जो आपको काम आएंगे आगे ठीक है डी पार्ट एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है यहाँ पे तीन साइन आपस में थ्री हैं ठीक है थीके? और हमें पता है साइन की वैल्यू हमेशा वन के बीच में लाई करती है माइनस वन से वन तो ये वाली इक्वेशन कब होल्ड करेगी जब इस थ्री को हम लिख देंगे वन प्लस वन, प्लस वन और तीनों ही वन है यानी इसका मतलब हो गया कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है होल्ड कब करेगी जब साइन ए भी वन होगा जब साइन ए भी वन होगा साइन टू ए भी वन होगा साइन थ्री ए भी वन होगा है ना तभी ये इक्वेशन होल्ड करेगी इसका मतलब हो गया कि यहाँ से ए आ गया नाइन्टी डिग्री यहाँ से ए आ गया पाई और यहाँ से आ गया आपके सॉरी यहाँ से आ गया ये आ गया, गया पाई बाई फोर है ना तभी होगा और यहाँ से ए आ गया क्योंकि थ्री ए को हम पाई बाई टू रखेंगे तो ए आ गया पाई बाई सिक्स तो तीनों अलग वैल्यू आ रही है बट हमें था कि ये क्वेश्चन होल्ड कब करेगी जब ये एंड साइन ए भी वन होना चाहिए साइन टू ए भी वन होना चाहिए साइन थ्री भी वन होना चाहिए बट जब हम ऐसे कर रहे हैं तो कॉमन वैल्यू कोई आ नहीं रही तो इसका मतलब है कोई किसी भी कॉमन वैल्यू के लिए तीनों वन नहीं हो सकते है ना जैसे ही मान लेते क्योंकि ए को, को नाइन्टी पुट करोगे तो यहाँ पे वन एटी बन जाएगा वो तो जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि पहली बात हमने क्या बोला कि दिस इक्वेशन होल्ड वेन ऑल द थ्री मस्ट बी वन यानी साइन ए भी वन होना चाहिए एंड साइन टू ए भी वन होना चाहिए एंड साइन थ्री भी वन होना चाहिए फिर उसके बेचने जब ए निकाला कि जब तीनों वन होने चाहिए तो ए की कोई कॉमन वैल्यू नहीं आई इसका मतलब कोई भी वैसी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए इक्वेशन थ्री के इक्वल आए तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि यहां क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इक्वेशन होल्ड फॉर सम वैल्यू ऑफ रियल वैल्यू कहेंगे ऐसा तो पॉसिबल तो ही नहीं है तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी ओके तो बचते हैं तीन पार्ट यहाँ कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू निकालते हैं साइन फोर थीटा माइनस टू साइन थीटा माइनस वन देखते क्या आंसर आता है साइन फोर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है जो साइन में है बाई क्वाड्रेटिक की वैसे बट साइन स्क्वायर में बन जाएगी ठीक है ना ये कह रहे वन वैल्यू ऑफ थीटा जो होगी इसको सॉल्व करने पे वो जीरो से टू पाई होगी एक बार देखते हैं आती है कि नहीं आती अब एक तो हो सकता है इसकी स्प्लिटिंग कर दो नहीं तो दूसरा हो सकता है इसका मैं फॉर्मूला बनाता हूँ अब परफेक्ट परफेक्टर बनाने के लिए मैंने प्लस वन किया और माइनस वन किया तो ये बन गया मेरे पास साइंस कर थीटा माइनस वन इक्वल टू टू ठीक है ना और वन माइनस साइंस कर थीटा को मैं कॉस कर थीटा लिख सकता हूँ तो माइनस का स्क्कर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस कॉस कर थीटा का स्क्वायर को कॉस कर थीटा लिख सकते हैं तो बेसिकली आ गया कॉस फोर थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट टू प्लस माइनस और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई <coughs> कह सकते हैं प्लस माइनस टू की पावर वन बाय फोर ठीक है टू की पावर वन बाय फोर अब आप सोचो क्या ये पॉसिबल है क्या कॉस थीटा की वैल्यू टू की पावर वन बाय वन बाय फोर हो सकती है तो कहेंगे नहीं हो सकती क्योंकि कॉस की जो वैल्यू है वो वन से तो बड़ी होनी चाहिए और वन से छोटी होनी चाहिए और माइनस वन से बड़ी होनी चाहिए क्या ये सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कोई वैल्यू ऐसी आ रही है तो कहेंगे नहीं हो सकती ना कैसे होएगी देखो लॉजिकली अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो यहाँ से देखो कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो वन से माइनस वन के बीच में वालाई करती है तो अगर मैं कहूँ कॉस थीटा मेरा वन से छोटा है तो जब हम यानी सारी वैल्यू जीरो से वन के बीच में आ रही है या उन्हीं का नेगेटिव आ रहा है तो बेटा वैल्यू जो है किसी की भी ज़ीरो से अगर वन के बीच में आ रही है तो जब उन वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो वो तो वन से और छोटी हो जाएगी जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो अगर मैं पॉइंट फ़ाइव का स्क्वायर करता हूँ तो पॉइंट टू फाइव आएगा वो वन से बड़ा तो नहीं हो सकता ना यानी ये ध्यान रखना होता है और ये लॉजिकल भी कंसेप्ट है कि अगर एक्स की वैल्यू जीरो से वन आ रही है तो एक्स स्क्वायर भी जीरो से वन के बीच में लाई करेगा बट ये तो बेटा आपका वन से बड़ा होगा ना यानी मैं ये कह सकता हूँ कि कॉस को थीटा भी जो होगा वो वन से छोटा ही होगा ठीक है और रूट टू रूट टू की वैल्यू की जो दी है वन पॉइंट फोर वन वो तो वन से बड़ी हो गई तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट होल्ड ही नहीं कर पाएगी यानी ऐसा कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगा थीटा का जिसपे ये इक्वेशन होल्ड करे मतलब होल्ड करे मतलब ट्रू हो तो हमसे पूछा गया था यहाँ पे कि कम से कोई वैल्यू जरूर होगी थीटा की जो जीरो से टू पाई होगी बट जीरो से टू पाई तो रियल वैल्यूज है और रियल वैल्यू कोई आ नहीं रही तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई ठीक है तो हमने ये सारे पार्ट कर डाले अब चलते हैं एफ पार्ट पे एफ पार्ट यहीं कर देते हैं ठीक है देखो बेटा टेन थीटा के लिए ए बायी है अब हमने ना कॉस्ट टू थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था जो टेन की फॉर्म में आता है ऐसे ही साइन टू थीटे का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में होता है क्या होता है फॉर्मूला कॉस्ट टू थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटर तो वहाँ पे मैं टेन की वैल्यू ए बाई बी पुट कर देता हूँ अपॉन वन प्लस टेन स्क्वर थीटर यहाँ पे भी साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटर और इन टू ए भी है तो जब हम एल्सीयम लेंगे तो ये आ जाएगा बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये आ जाएगा टू ए स्क्वायर भी अपॉन एलसीएम में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब आप इसको ओपन करेंगे ना तो यह आ जाएगा बी क्यूब और प्लस टू ए स्क्वायर भी माइनस ए स्क्वायर भी में ए स्क्वायर भी रह जाएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर से बी कॉम लेके कट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आ रही है वो सॉल्व करके बी ही आ रही है तो वो पूछ रहा है कि भी क्या इसकी वैल्यू ए आएगी तो आप कहेंगे नहीं इसकी वैल्यू तो ए नहीं आ रही बी आ रही है तो इसलिए हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्लियर है आप कोई क्या किया मैंने कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगाया वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला लगाया टू टेन थीटा पर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया और यहाँ पे मैंने बी क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पे एक बी स्क्र कट के एक बी ऊपर आ जाएगा तो और बी कॉमन आ गया तो हम कह सकते हैं बी स्क्र प्लस ए स्क्वायर कट जाएगा तो बी आ जाएगा बट हमारा आंसर ए आना चाहिए गलत है ठीक है अब वो पूछ रहे हैं क्या इसकी मिनिमम वैल्यू टू आएगी लास्ट बार देखते हैं जी पार्ट क्या कर देखे टू कॉस थीटा टू कॉस्कोर एक्स टू कॉर एक्स प्लस थ्री स्क्वार वैल्यू निकालनी है तो पहले हम क्या करते हैं बेटा कॉस्वर का ना फॉर्मूला लगा देते हैं कॉस्क्वेर का क्या फॉर्मूला होता है कॉस स्क्र का फॉर्मुला होता है वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू ऐसे साइन का फॉर्मूला लगा देते हैं वन माइनस कोस टू एक्स बाय टू ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि सेम एंगल आ जाए टू तो अब एलसीय ले लेते हैं इन दोनों का एल्जियम लेंगे ना तो ये आ जाएगा टू तो आ जाएगा टू प्लस टू कॉस टू एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री कॉस टू एक्स और प्लस आ गया फोर तो जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया सिंप्लीफाई करके टू uh, और प्लस थ्री और प्लस फोर तो ये बन गया नाइन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू अब मुझे पता है अब मुझे पता है कि कॉस टू एक्स जो होता है कॉस टू एक्स क्या लाई करता है आप कहेंगे कॉस टू एक्स जो लाई करता है वो लाई करता है वन uh, से लेके माइनस वन के बीच में तो माइनस है जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस बन जाएगा इनिक्वालिटी चेंज हो जाएगी तब भी माइनस कॉस टू एक्स माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगा अब मैं नाइन ऐड कर देता हूँ दोनों साइड नाइन को ऐड करा क्योंकि मुझे ऐसे ही फंक्शन बनाना ना नाइन माइनस कॉस टू एक्स तो नाइन ऐड कर दिया तो ये यहाँ पर आ जाएगा एट अब मैं टू से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास इस वाले फंक्शन की वैल्यू जो बीच में आया है उसकी वैल्यू लाई कर रही है फोर से लेके फाइव तक के बीच में ये नाइन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू बना दिया ना मैंने यहाँ पे ठीक है तो मेरे पास जो इस फंक्शन की वैल्यू फोर से फाइव की यूशनलाई करिए मिनिमम वैल्यू फोर होगी और मैक्सिमम वैल्यू फाइव होगी बट वो कह रहा है कि इसकी मिनी वैल्यू टू है तो कहेंगे ये तो गलत है तो इसकी वैल्यू टू नहीं हो सकती इसकी मिन वैल्यू अच्छा प्लस टू नहीं था ओके ओके सॉरी प्लस टू मैंने गलती से लिख दिया वो इस टू है तो प्लस टू नहीं है तो बेटा तो इसका मतलब है ये प्लस टू हट जाएगा तो यानी प्लस फोर हट जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा ये फ़ाइव तो बेसिकली मुझे फ़ाइव माइनस कॉस टू एक्स बनाना है ठीक है वो प्लस टू लगा मुझे वो इस टू है तो अब मुझे फ़ाइन की फाइव की वैली चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं तो यहाँ पे मैं पहले फ़ाइव जब ऐड करूँगा इस रिज़ल्ट के बाद इस रिज़ल्ट के बाद यहाँ पर फाइव ऐड कर देंगे तो फाइव जब ऐड करेंगे तो फाइव माइनस कॉस टू एक्स ये हो जाएगा फोर ये बन जाएगा सिक्स फिर टू से डिवाइड कर देंगे तो फंक्शन की वैल्यू टू से थ्री के बीच में आएगी तो मिनी वैल्यू टू आ रही है तो उस केस में ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी अगर वो कल प्लस टू होता तो नहीं होती ठीक है ना तो यहाँ पूछा है कि क्या ये इसकी मिनी वैल्यू टू आएगी तो आप कहेंगे ये इस, इसकी मिनी वैल्यू ट्रू ही आ रही है ठीक है तो ये हमने फर्स्ट और टू सेकेंड क्वेश्चन डाले ये एक्चुअली ट्रू फॉल्स और फिल्म बनाए थे बट बड़ ये बड़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इनको आप लाइटली नहीं ले सकते तो इनकी सबकी प्रैक्टिस करिए और रिवाइज़ करिए इस कंसेप्ट कंसेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ठीक है थैंक यू